Cambridge Assessment International Education A Levels June 2024 का रिजल्ट। Hi guys, I don't know what my feelings are at the moment, लेकिन ये है कि it's 10 AM. अभी तक हमारा threshold नहीं आया जो 8:30 आना था, उनकी वेबसाइट पे मेंशन था। मुझे था कि O Levels ज़्यादा मुश्किल होता है A Levels से, लेकिन जो पेपर्स दिए ना उसके बाद एहसास हुआ कि नहीं, O Levels were still better, और O Levels में ग्रेड आ जाता है, A Levels में बहुत मुश्किल होता है। आई डोंट नो व्हाट टू एक्सपेक्ट। अभी तक इस पे कुछ भी नहीं आया, अब मेरी बिल्कुल बस हो गई है रिफ्रेश कर करके, क्योंकि डिफरेंट पेजेस पे भी सब यही कह रहे हैं कि ट्रैफिक शायद बहुत ज़्यादा है इस पे, तो कहीं पे भी नहीं आ रहा इसका थ्रेशोल्ड। सो पता नहीं यार, अजीब। हाय गाइस, सो अभी थ्रेशोल्ड्स आ गए हैं, 8:30 आना था और 10 o'clock आया है। कंप्यूटर का थोड़ा एवरेज सा है फॉर बोथ पेपर्स, P1 भी P2 भी। बिजनेस का पेपर 1 का बहुत ज़्यादा हाई है, 35 out of 40 पे ए है, और जो पेपर 2 है वो थोड़ा नॉर्मल है, 40 out of 60 कुछ इस तरह करके है। कंप्यूटर का ये 9618 का हाईएस्ट थ्रेशोल्ड है इस साल। यार हमारे बार ही ऐसा होना था। एक तो कोरोना वाले बैचेस के लिए काफ़ी फायदे होते रहे, और रिजल्ट आने में ऑलमोस्ट 1 घंटा रहता है। इट्स 11 राइट नाउ, लेकिन वो कह रहे हैं बेस्ट ऑफ लक, या 12 o'clock रिजल्ट आएगा। एंड मीट आवर सीनियर, मेरी फेवरेट सीनियर ये थी, और ये बीच में गायब होगी। और यस, शी इज हियर टुडे। ओके, आई एम हैप्पी बिकॉज़ आई डोंट हैव एनी स्टफ लाइक। अपना देखा है वो थ्रेशोल्ड सोशियोलॉजी का या होगा? देख तो लो उसको। हेलो कश्यप, कैसी हैं? हमेशा ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं मेरे इंटरव्यू ऐसे हैं, आप कैसी हैं? मैं भी फिट हूँ। क्या 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 कह रहा था आपके रिजल्ट के बारे में? हालात बस थोड़ा सा टाइम रह गया है, इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करे, थ्रेशहोल्ड्स तो आ गए हैं। आप कैम्ब्रिज को क्या कहना चाहेंगी? कैम्ब्रिज को कहना चाहूँगी हमारे ऊपर रहम करें, सबको एज और एज आए। कैम्ब्रिज को चाहिए सेम दिन भी, सारे टीचर्स जा रहे हैं मैम के ऑफिस में, वहाँ पे उनको पता चल रहा है रिजल्ट। अभी कंप्यूटर का भी पता चला है, कितने थे? 5 A's 1 B and 3 C's, तो पता नहीं किसका क्या आया है। मैथ्स और कंप्यूटर का तो पता चल गया कितने A's हैं, कितने B's हैं, कितने C's हैं, लेकिन बिजनेस का अभी तक नहीं पता चला, जिसके लिए मुझे ज़्यादा था कि वो पता चल जाए तो थोड़ा आइडिया हो जाएगा। हेलो, नेवर नो, इतना डर लग रहा है, पहले रोना भी आ रहा था, पता नहीं यार गाइस, बहुत देर होगी। अब तो क्या टाइम है? अब तो टेंशन ही खत्म। Hi guys, so this is me and this is my result. Result मिलने के बाद तो हालात नहीं रहे थे वीडियो बनाने वाले, वरना मेरा दिल था कि सबके रिएक्शंस रिकॉर्ड करूं, लेकिन unfortunately that couldn't happen. So this is my result. I got an A in business and I got a C in computer science, जो कि मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। पेपर बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं हुआ था, लेकिन इतना बुरा भी नहीं हुआ था कि उसमें सी आता, बट खैर मेरे लिए नया सब्जेक्ट था। 3 साल पढ़ के 4th साल पेपर देना और 1 साल पढ़ के पेपर देना, काफ़ी डिफरेंस है उन दोनों चीज़ों में। एंड मैथ्स का तो मैंने ऑलरेडी रीटेक पेपर देना था अक्टूबर नवंबर में, काफ़ी स्टूडेंट्स के साथ काफ़ी ज्यादती हुई है इस बार। अब खैर मैं तो वेट कर रही हूँ कॉम्पोनेंट ग्रेड्स आने का, जो डे आफ्टर टुमारो आ जाएंगे इंशाल्लाह, फिर पता चलेगा कि जी मसला हुआ किधर है। लिटरली कल मैं ये कह रही थी कि मेरा बिजनेस में एटलीस्ट ए आ जाए, अल्हम्दुलिल्लाह वो तो आ गया है, लेकिन ये है कि बाकी कंप्यूटर का थोड़ा ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड था, मैं यार ने क्या किया इस पर। बट एनी वेज, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन टू एवरी वन जिनके आज रिजल्ट आए हैं, ओ लेवल्स वाले, IG वाले, ए लेवल्स वाले। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कॉमेंट, सब्सक्राइब एंड शेयर, एंड एज ऑलवेज आई विल कैच यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।